दर्द हो दिल में तो दबा दीजिए, दर्द हो दिल में तो दबा दीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। नमस्ते। आज के इस ओशो ज़ेन्टारो के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आइसोलेशन के बारे में, और आइसोलेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ। थ्री ऑफ सॉर्ड्स अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कार्ड है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो यही लगता है कि एक बहुत ही दुख भरा जो है कार्ड है, एक बहुत ही एक सैड नेचर का कार्ड है। सैडनेस तो है, लेकिन साथ में जो है उसमें एक मुक्ति की जो है उम्मीद भी है। दुख तो है, लेकिन साथ में जो है उस ऊंचे आकाश में उड़ने की पोटेंशियल भी है। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स को थोड़ा सा समझते हैं पहले। थ्री ऑफ सॉर्ड्स में हम देख सकते हैं कि तीन सॉर्ड्स जो हैं वो आपके हार्ट को पियर्स कर रही हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि जैसे आपको किसी ने दुख पहुंचाया, जैसे आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई, और आप जो है अब उस दुख और तकलीफ में जो है कर्रा रहे हैं, उस दुख और तकलीफ में रो रहे हैं। लेकिन जितने भी थ्रीज हैं जो भी हम टैरो में देखते हैं, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी ढंग से कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज लेके आते हैं। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स में एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पे जो पेन है वो आप फाइनली जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब तक जो था किसी ना किसी ढंग से आप उसको एस्केप कर जाते थे, उससे दूर भाग जाते थे, लेकिन अब फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया है आपकी लाइफ में कि जब आपको जो है वो जो सॉर्ड्स हैं वो फाइनली जो है वो पियर्स कर रही हैं आपके हार्ट को, और जिसके कारण जो है आपने अपने पेन को पहली बार जो है एक्सेप्ट किया है, और उस पेन की एक्सेप्टेंस के कारण आपकी ज़िंदगी जो है वो टोटली चेंज हो गई है। जिस पेन को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, जिस पेन से आप भाग रहे थे, वो पेन की ऊर्जा जो है वो आपको फाइनली ट्रांसफॉर्म कर रही है, आपके अंदर एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी लेके आ रही है। तो जिस दिल की हम बात कर रहे हैं, वो दिल जो है एक इमेच्योरिटी के ऊपर बेस्ड है, वो आज नहीं कल जो है वो टूटना ही है। जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा, उतनी जल्दी जो है जीवन की जो प्रौढ़ता है वो आपके भीतर आती है। इस दिल के टूटने के बाद ही आपको जो है अपने भीतर के असली दिल का पता चलता है। एक ऐसा दिल जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, एक ऐसा दिल जिसको जो है दुख नहीं दिया जा सकता, जो प्रेम देना भी जानता है और लेना भी जानता है। तो एक ही छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी थ्री ऑफ सॉर्ड्स की। अब हम बात करते हैं आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन को ओशो ज़ेन्टारो में जिस तरह से लिखा गया है, वो आइस को अलग कर दिया है और ओलेशन को अलग कर दिया है। तो इस वर्ड के अंदर जो है कंप्लीट मीनिंग आ जाता है आइसोलेशन का, कि जब भी आप अपनी भावनाओं को, अपने दिल को, अपने आप को एक्सप्रेस करने से जब आप रोकते हैं तो आप एक आइसोलेशन की स्थिति में आ जाते हैं। आप अपने आप को बर्फ बना लेते हैं कि अपने इमोशंस जो हैं वो आपसे बह ना जाए, उसके कारण जो है आप अपने आप को फ्रीज कर लेते हैं, और उस फ्रीज के कारण जो है लाइफ जो है आप में से फ्लो करना बंद कर देती है। क्योंकि आपको लगता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने आप को बंद करना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो दूसरा व्यक्ति जो है आपका फ़ायदा उठा लेगा। अगर आप रो डाले, अगर आपने अपने एक्सप्रेशंस को जो है शो कर दिया दूसरे को, तो आपको लगता है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो आपका मजाक उड़ा देगा। तो एक ही ढंग है बहुत सारे लोग जो जिस तरह से सोचते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बंद कर लेते हैं। ये जो मुद्रा है इस तरह की जब हम बनाते हैं कि अपने हाथ जो है इस तरह से बंद कर लेते हैं, अपने हार्ट को क्लोज कर लेते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, बहुत बार अपने आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको बंद करने के लिए। अक्सर आप जो है देख सकते हैं कि अगर कोई आदमी बहस करता है, या फिर जो है जब अपने आप को जो है एक डिस्कशन में डाल रहा है, तो वो अक्सर जो है उसकी जो मुद्रा है वो कुछ इस तरह से हो जाती है, ताकि वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सके, कि वो अपने इमोशंस को, अपने भाव को जो है आपके सामने प्रकट ना कर सके। और आदमी के साथ तो ये बीमारी शुरू से है,
हम कहते हैं शेर बच्चा होके रोता है क्या, कि आदमी को हम इस तरह से बना देते हैं कि भाई रोना जो है एक जैसे बहुत छोटी बात है, और वुमेन जो रो पाती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, उसके अंदर वो बीमारी नहीं बन पाती जो आदमी के अंदर बन जाती है। इसलिए अगर हम हेल्दी की बात करें, अगर हम मानसिक हेल्थ की बात करें, तो वुमेन जो है ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि वो अपने भीतर कुछ रखती नहीं है, वो एक्सप्रेस कर देती है, वो रो डालती है। लेकिन आदमी के अंदर जो है ये मवाद इकट्ठा होता जाता है, आदमी के अंदर जो है ये जो दुख का ये जो पहाड़ है ये बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो जैसे उसकी कीमत घट जाएगी, कि जैसे उसको जो है कोई पूछेगा नहीं तब। ये सिर्फ एक कंडीशनिंग है जो हमारी सोसाइटी ने जो है हमको दी है, एक ऐसी कंडीशनिंग जो कि हर आदमी को मिली है कि आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कि एक्सप्रेस करना जो है अपने आप में जो है एक छोटापन है। और अब आज की जनरेशन्स में तो ऐसा टाइम आ रहा है कि अब लड़की भी कि स्त्री भी जो है वो जो है आदमी को जो है धीरे धीरे जो है उसके साथ इन्फ्लुएंस हो रही है, और जैसा वो आदमी करता था अपने आप को दबाता था वैसे ही स्त्री भी जो है करने लग गई है। स्त्री के साथ जो है एक बहुत एक स्वाभाविक एक बात थी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती थी, कि वो रो सकती थी, कि वो अपने आप को जो है कभी दबाती नहीं थी। वो अगर दबाती भी थी तो उसका दबाना कुछ ऐसा होता था कि आज नहीं कल जो है वो अपने आप को प्रकट कर ही देती थी, चाहे रो के चाहे चिल्ला के किसी ना किसी ढंग से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देती थी, जिसके कारण जो है वो हल्की हो जाती थी। इस कार्ड के अंदर हम जब देखते हैं कि एक बर्फ का जो है एक व्यक्ति जो है वहाँ पे दिख रहा है हमें, उस बर्फ के व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि सब कुछ जो है जाम हो गया है। ये याद रखिए कि जब जीवन जो है जब उसकी धारा बहती है तब आप जीवित होते हैं। अगर आप जो है अपने आप को जकड़ लें, अगर आप अपने आप को जो है एक्सप्रेस ना होने दें, अगर वो आपके अंदर वो फ्लो ना आए, तो आप जो है बर्फ़ की तरह हो जाते हैं। इसलिए जो सल्यूशन है वो साथ में जो है उस कार्ड में दिया भी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। सल्यूशन जो है बहुत सिंपल है। सल्यूशन कुछ ऐसा है कि आपको जो है अपने भाव के साथ दोबारा से जुड़ना है, कि अपने भीतर के वो जो आंसू हैं जिनको आप बाहर नहीं आने देते, उनको जो है अब आप अलाउ कर दीजिए अपनी लाइफ में। उसको अलाउ करते ही आपके भीतर जो है एक हल्कापन जो है आपको मिलेगा, कि दोबारा से आपको लगेगा कि आप बच्चे हो गए, और दोबारा से आपको लगेगा कि आप जो है परमात्मा के बहुत करीब हो गए। एक चीज़ पक्की है कि जब आप रो देते हैं, जब आप हल्के हो जाते हैं, तो आप जो है एक ब्लिसफुल नेचर में आ जाते हैं। लेकिन जब आप जो है अपने आप को पकड़ के रखना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने देना चाहते, तो आप उस वक्त जो है किसी नरक से गुजर रहे हैं। तो जीवन जो है स्वाभाविकता में है, जीवन जो है एक तरह की धारा के अंदर है। अगर उस धारा को अवरुद्ध किया जाए, अगर उस धारा को जो है रोका जाए, तो आदमी भी जो है अपने भीतर मरना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू आइसोलेशन का रियल मीनिंग जो है आपको एक्सप्रेस किया जा रहा है, कि आप जो है लाइफ के साथ जो है फ्लो कर सकें, कि आप जो है लाइफ के साथ जो है एक हो सकें। उस फ्लो में जो है जीवंतता है, उस फ्लो में जो है आप जीवित हैं। गुरु ओशो इस कार्ड के बारे में बोलते हैं कि जब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, जब आपका मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप मिजरेबल होते हैं, तो आप एक दुख की स्थिति में होते हैं, आप एक आइलैंड की तरह होते हैं, कि आपने अपने आप को बंद कर लिया। और जीवन में होने के दो ही ढंग हैं, या तो आप जीवन के प्रवाह के साथ जो है फ्लो करें, या फिर जो है अपने आप को बंद कर लें। उस बंद करने में जो है दुख है, और उस फ्लो में जो है जीवंतता है। क्योंकि जब आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, तो आपके अंदर जो है एक हर वक्त एक भाव चलता रहता है, ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, जिसके कारण जो है आप अपने आप को जो है आइसोलेट कर लेते हैं, बिल्कुल अपने आप को जो है एक आइलैंड की तरह बना लेते हैं, कि आप जो है अपने आप को लाइफ से जो है काट लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम लाइफ को थोड़ा सा और अच्छे से समझें, तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लाइफ हमारे आसपास है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को अगर अलग जी सकेंगे तो एक बहुत बड़ी नासमझी होगी। हमारे साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो तो जुड़े ही हुए हैं, जो पेड़ पौधे पक्षी जो है वो भी जुड़े हुए हैं आपके साथ।
आप इस पूरी पृथ्वी के जो है एक छोटे से एक पार्ट है। आदमी का अहंकार जो उसका जो ईगो है, अगर जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा जो है उसको जो है सफ़र करना पड़ता है, उसको जो है उस दुख और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ईगो एक तरह का वेट है, जितना ईगो आपके अंदर है उतना जो आप जो है वो वेट जो है अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं, और उस वेट के कारण जो है आपके जीवन में दुख है, और उस दुख में जो है आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, जीवन से जो है दूर हो जाते हैं। तो जब तक कि हम इस ईगो के पहाड़ को जो है ड्रॉप नहीं कर देते, तब तक हमारी लाइफ में जो है वो एक लाइटनेस नहीं आ पाती, एक लाइफ नहीं क्रिएट कर हो पाती। तो उस वेट के जाते ही आप जो है जीवंत हो जाते हैं, आप जो है लाइफ के साथ दोबारा भर जाते हैं, आप सब चीज़ों के साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाते हैं, आप दोबारा से इस पृथ्वी के हिस्से हो जाते हैं। आपके भीतर वो जो एक फॉल्स जो आइसोलेशन जो क्रिएट हो रखी होती है वो जो है मेल्ट हो जाती है, आप बर्फ़ से जो है दोबारा से जो है पानी हो जाते हैं, दोबारा से आप रो पाते हैं, दोबारा से जो है आपके भीतर जो है भावना उठ पाती है। एक बहुत सुंदर सूफ़ी कहानी है। ये सूफ़ी गुरु जो है हमेशा खुश रहता था, किसी ने उसको कभी भी दुखी नहीं देखा था, हर वक्त वो हंसता रहता था, लाइफ को एंजॉय करता रहता था, उसके चेहरे में कभी भी शिकंज नहीं आई थी, उसके शिष्य उसको जब भी देखते थे उसको हंसता खिलखिलाते हुए देखते रहते थे। तो जब ये सूफी जो है बूढ़ा हुआ और जब इसकी मृत्यु का समय आया, तब भी जो है ये वैसे ही खेलता रहा, ये वैसे ही हंसता रहा कि मृत्यु सर पे खड़ी थी लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी कि मृत्यु उसके लिए सिर्फ एक खेल थी। तो जो शिष्य उसके पास थे उन्होंने जो है उससे पूछा कि गुरुजी आपकी खुशी का राज क्या है, अब तो आपके जाने का भी समय आ गया है लेकिन आपने कभी भी जो है इस राज को नहीं बताया, हमने आपको हमेशा जो है खुश देखा, हमने आपको हमेशा जो है लाइफ को एंजॉय करते हुए देखा, तो अब आपका जब जाने का समय हुआ अब तो आप अपना सीक्रेट बता दीजिए, क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत दुखी पाते हैं, और जब हम आपको देखते हैं तो आपको देख के ऐसा लगता है कि हम अपना जीवन जो है सही ढंग से नहीं जी रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना जो है सीक्रेट जो है हमें बताइए। वो गुरु मुस्कुराया और उसने बताया कि एक वक्त था जब मैं तुम्हारी तरह ही दुखी था और शायद तुमसे भी ज़्यादा दुखी रहूँगा। जब मैं 17 साल का था तब मैं भी अपने गुरु को इस तरह से खुश देखता था, जीवन को जो है इंजॉय करते हुए देखता था, उनको भी मैंने कभी भी दुखी नहीं देखा था। तो जब वो मर रहे थे तब मैंने भी उनसे ये बात पूछी थी और तब उन्होंने ये बात बोली थी कि जीवन में खुश रहना जो है ये तुम्हारी चॉइस है, हर सुबह तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, हर सुबह तुमसे पूछती है कि आज तुम्हें सुखी रहना है या दुखी रहना है। जिस दिन मेरी आंख खुली इस छोटे से सत्य के लिए उस दिन के बाद मैं कभी भी दुखी नहीं हुआ। उस दिन की बात है और आज तक के मेरे जीवन की बात है कि हर सुबह जिंदगी मुझसे पूछती है कि तुम्हें सुखी रहना है या दुखी, और मैंने उस दिन से जो है सुख को चुनना शुरू कर दिया, मैंने हंसी को चुनना शुरू कर दिया। कि जब जिंदगी पूछती हो कि भाई खुश रहना है या दुखी रहना है, तो कोई भी थोड़ा सा भी अकलमंद होगा तो वो खुशी को जो है स्वीकार करेगा, वो खुश होना पसंद करेगा। तो जीवन में अपने आप को जब आप आइसोलेट कर लेते हैं तब जो है आप दुख को जो है स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जीवन को जो है जब आप डिसाइड करते हैं खुश होने के लिए तब जो है आइसोलेशन से आप कोसों दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर सुबह आपसे पूछती है कि सुखी रहना है या दुखी रहना है, चॉइस आपके हाथ में है, क्या चूज करेंगे आप, सुखी रहना या दुखी रहना। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।